दोस्तों ये है सामने अहमदाबाद का बस स्टैंड और इस तरफ है एक पानी की टंकी जिससे 400 मीटर उधर जाने के बाद में अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। एक और नए व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं अहमदाबाद, मैं खड़ा हूं अभी अहमदाबाद के बस स्टैंड से 200 मीटर आगे और अभी जा रहा हूं मैं कंकरिया लेक की तरफ। और भाई अहमदाबाद में आप लोगों को घूमने के लिए ऑटो या फिर पर्सनल व्हीकल होना बहुत जरूरी है और ये सिटी बस सर्विस के लिए अलग से रोड बना रखा है। ट्रांसपोर्ट के साधन उस तरफ चलते हैं जो कि बड़े दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो सिटी बस सर्विस है अहमदाबाद की उसके लिए अलग रहा है। देखिए यहाँ से बस गुजरती है और बीच में ही इनके बस स्टैंड है, आगे दिखाऊंगा आपको। ये है यहाँ के सिटी बस स्टैंड, जो सिटी बस सर्विस उनके बस स्टैंड है। यहाँ पे सवारी खड़ी होती है, टिकट काउंटर है और इनके अंदर से बस चलती है। लो भाई दोस्तों, ये है कंकरिया लेक जो कि 1451 ईस्वी में अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं कंकरिया लेक को घूमने के लिए आया था क्योंकि रेलवे स्टेशन से पास में यही पड़ती थी, इसलिए मैं यहाँ पे पहुँच गया। और कहा जाता है कि इसकी जो परिधि है, जो इसका सर्कल है ना, वो 2.5 किलोमीटर के लगभग है और ये गुजरात की सबसे बड़ी लेक है। और इसके बीच में एक छोटा सा टापू है जिसको नगीना वन के नाम से कहा जाता है। तो सामने एक वो दिख रहा होगा ना आपको, बीच में एक द्वीप सा, उसको कहा जाता है नगीना वन। शुरू में जब मैंने एंटर किया तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आज की छुट्टी, आज मंडे है इसलिए नहीं जाना होगा। फिर मैंने कहा कि अंकल मैं हरियाणा से आया हूँ, तो उसने कहा कि अच्छा इतनी दूर से आया, तो फिर थोड़ा मोटा बैग वगैरह चेक करके बोला गुटखा तो नहीं खाता। मैं यार गुटखा वगैरह हम नहीं खाते, तो फिर बोला चल घूमा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इतनी दूर मेहनत करके आए हैं तो दर्शन हो गए इसके। बहुत अच्छी है भाई झील है और इसको समय समय पे ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं ताकि मछलियों के लिए सुविधा हो। गुजरात की एक चीज़ तो मस्त है यार, यहाँ की ग्रीनरी वाकई में, पेड़ पौधे, क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है। अभी सुबह के 7 बजे हैं और तब का तब बारिश आना शुरू हो जाती है भाई, सुबह होते ही। रात भी हो रही थी बारिश और अब भी शुरू होगी। और ये कंकरिया लेक पे मैं ट्रैवल करने आया था और आज की तो वैसे छुट्टी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे एक दो जगह और हैं जैसे झूलता हुआ मीनार है और मस्जिद वगैरह हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ है। तो रेलवे स्टेशन के आसपास में है बहुत सारी चीज़ें, तो सबको कवर करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, सबको कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि उनका क्या क्या महत्व है और कैसी कैसी वो दिखती हैं, आर्किटेक्चर कैसी है। और अहमदाबाद का मेरे को क्या सीन समझ में आया कि यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ की फैक्ट्रीज़ वगैरह, यहाँ की ट्रांसपोर्ट और यहाँ सब लोगों के माइंड है ना, बिजनेस माइंड है, सब लोग अपना व्यापार करते हैं। सुबह के लिए थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं अपनी फिटनेस के लिए और छोटे छोटे रोड हैं और आर्किटेक्चरी बिल्कुल माइंड सेट करके बनाई गई है। ये नहीं है कि भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं जैसे अपने दिल्ली में दिखती हैं, उत्तर प्रदेश काशी में दिखती हैं, वैसा नहीं है, बहुत खुले खुले रोड है, मज़ा आता है घूमने में। लेकिन यहाँ का लैंग्वेज का इशू है थोड़ा, क्योंकि गुजराती बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोकल से पूछोगे कि मेरे को वहाँ पे जाना है तो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, बेहिचक आपको बताते हैं कि कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया लोग है भाई, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा रहा है अहमदाबाद में। और अभी तो घूम ही रहा हूँ, अभी तो सुबह का समय है, देखता हूँ दोपहर तक यहाँ पर घूमूंगा फिर चला जाऊँगा मैं वडोदरा के लिए। और यहाँ के टॉयलेट भी काफ़ी हद तक सुंदर है भाई, ये देख लो, ये वॉश बेसन वगैरह सब कुछ, वैसे दिखाना बनता नहीं है लेकिन फिर भी। और बाहर निकलने के बाद फिटनेस अच्छी हो जाती है क्या? हाँ उन्ना, कंकरिया झील पे घूमते हुए मेरे को एक दोस्त मिला है, ये रहा भाई। हाय। तो भाई ये प्राइवेट जॉब करता है बीटेक करने के बाद में, और भाई ने इंडिया में बहुत जगह, मतलब बढ़िया बढ़िया जगह घूमा है, ये काम के सिलसिले में घूमा है। और अब भी जब जॉब से छुट्टी होती है ना तो आसपास की जगह घूमने आ जाता है, तो एक्सपीरियंस अच्छा है भाई का। भाई से बात हुई भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जॉब कर रहा है, अच्छी बात है भाई। मैं खाली नहीं है मेरी तरह, मैं तो ऐसे ही घूमता रहता हूँ। अरे नहीं, आपकी भी लग जाएगी, मेरा तो यूट्यूब चैनल चल जाए बस, अपन खुश है। बाकी अच्छे हैं भाई, सारे लोग यूट्यूबर नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करता है तो ज़रूर होता है जी। और ऑल द बेस्ट। आपका नाम क्या है? ओसामा जी। सही है भाई। और स्टडी कहाँ से किया था? पूना से स्टडी किया था, और आंध्रा वगैरह बहुत जगह घूमा है भाई। अभी दोस्त के साथ अभी थोड़े बाहर की तरफ पहुँचते हैं, फिर मैं जा रहा हूँ, मैं झूलता मीनार आप लोगों को दिखाऊंगा, झूलता मीनार कैसा है, क्या सीन है उसका। देखो ये है गुजरात का कल्चर, मॉर्निंग वॉक पे लेकर आते हैं छाता।
सही है भाई, लेकिन सभी के पास नहीं है। बच्चों के लिए चेस, चेस के देखो कितने कितने बड़े बड़े, घोड़ा कितना बड़ा है भाई, ऊंट, प्यादे, राजा और रानी कहाँ बैठी है। अहमदाबाद लोकल में घूम रहे हैं भाई, सब जगह ग्रीन ऑटो ही दिखेंगे, सी एन जी। और यहाँ का लोकल जो किराया है ऑटो का वो मैक्सिमम 15-20 है, यानी कि अगर आपको 2-3 किलोमीटर चलना होगा ना तो ऑटो लो 15, 10 या फिर 20, अगर ज़्यादा दूरी होगी तो 20 रुपये लेता है, नहीं तो 1 स्टॉप पे 10 रुपये लेता है ऑटो वाला। इजी ट्रांसपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। और सिटी बसेज भी हैं, बसेज में भी यही किराया है 10-20, 10-20, उसमें भी कोई वो नहीं है। और मेट्रो है, मेट्रो में भी जाऊँगा अभी, मेट्रो की भी आपको दिखाता हूँ वीडियो, मेट्रो का क्या सीन है, कैसे कैसे होता है यहाँ पे। दिल्ली मेट्रो का तो आपको पता होगा, ईजी है थोड़ा सा। कोलकाता मेट्रो की भी मैंने डाली थी, और आज आपको अहमदाबाद मेट्रो दिखाता हूँ। लो भाई पहुँच गए झूलता मीनार मस्जिद, अंदर से देखते हैं इसको जा करके। हम तो देखने आए थे, ये तो बंद पड़ा है यार। कितने बजे खुलता है? अरे वाह, आर्किटेक्चर देखो यार, बड़ी मस्त है कसम से। झूलता मीनार मस्जिद, झूलता मीनार मस्जिद, इसको भी अहमद शाह के द्वारा बनवाया गया था भाई। और उस समय की आर्किटेक्चर ही देखिए कैसी थी। पहले 2 ही मीनार था, लेकिन बाद में 1451 में इसको बनवाया गया था। उस समय मुग़लों का राज हुआ करता था इंडिया के ऊपर। तो ये है भाई साहब, देख लो। हाँ, यहाँ की आर्किटेक्चर ही दिखाता हूँ क्या चीज़ है। जैसे हमारा उड़ीसा में मंदिर है ना, सेम वैसे ही। ये देख लो भाई करीब से, यानी कि इतनी बारीक आर्किटेक्चर, ये देखिए पत्थर के ऊपर किस तरह से करके रखी है। ये देखो मस्त है भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आता है। और ये पूरी की पूरी मस्जिद है, और जो मीनार है वो इससे तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अंदर अंदर जा सकता हूँ, पूछता हूँ अंदर जा सकता हूँ। ये पता नहीं उस समय की क्या बना रखे हैं। वाओ, लो भाई झूलता मीनार मस्जिद को भी देख लिया और घूम भी लिया। अब निकलते हैं एक और नई डेस्टिनेशन के लिए। एक शायद ये क्या है, ये क्या है, कुआं है ना, कुआं, कुआं है। देखो भाई मेरे को ये दोस्त मिला था अहमदाबाद की, सुबह मैं ट्रैवल करने निकला था। भाई है मुस्लिम है, ओसामा इसका नाम है, और मैं हिंदू हूँ। तो हमारी बहुत अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग बहुत गलत होते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कुछ नहीं है भाई, एजुकेटेड लोग हैं। और जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता चलेगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम सब मनुष्य हैं, और मनुष्य की तरह ही जीवन जिए तो सबसे अच्छा है, क्यों भाई। जी बेशक। अभी आया हूँ अहमदाबाद मेट्रो, अभी मेट्रो के भी दर्शन करवा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ की मेट्रो देखते हैं कैसी है। कंकरिया ईस्ट, ये है मेट्रो स्टेशन, अभी एंटर करते हैं इसके अंदर। ये है दोस्तों अहमदाबाद का मेट्रो। अभी मैं इसके लिए बिल्कुल नया हूँ और इसको यूज़ करूँगा। मेट्रो स्टेशन है अहमदाबाद का, टिकट उधर बता रखी है, टिकट लेते हैं पहले। टिकट, ये रहा। यहाँ से अभी मैंने टोकन लिया है शाहपुर का, शाहपुर में है झूलता मीनार, जो कि अप्रोक्सली मेरे को 10 मिनट की वॉक के बाद में झूलता मीनार पहुँच जाऊँगा। और ये तो मेरे को अब पता चला है कि भाई अहमदाबाद में मेट्रो है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना, मैं 10-20-15-20 रुपये में आराम से घूम सकता हूँ मेट्रो का यूज़ करके। तो चलो चलते हैं अभी मेट्रो में। यहाँ पे मेट्रो बिल्कुल दिल्ली से थोड़ा सा एडवांस कर रखा है, इसको इंडिकेशन अच्छे दे रखे हैं हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में, तीनों में। थोड़ा सा न्यू है ना, इसलिए लोगों को आदत नहीं है। ये यहाँ के कुछ स्टेशन है, इसमें ब्लू लाइन और येलो लाइन और रेड लाइन, 3 लाइन है। फुल आती हैं भाई भर के अंदर से। शाहपुर मेट्रो स्टेशन उतर गया हूँ नीचे, अब मैं झूलता मीनार देखने जा रहा हूँ, जो कि अहमदाबाद की मेट्रो अच्छी है भाई कसम से। मतलब साफ सफाई, एसी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है। और भाई जो भी अहमदाबाद आ रहा है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लोकल टेम्पो या फिर बस वगैरह यूज़ ना करके आप लोग मेट्रो का यूज़ करें,
क्योंकि मेट्रो अप्रोक्सली वॉक के बाद में 5 से 10 मिनट की पैदल यात्रा के बाद में आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस कवर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी मेट्रो है, बहुत नॉर्मल है, यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है, और 10-15-20 रुपए मैक्सिमम किराया है बस। अंदर डालना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा। हाँ चलो, निकल गए हम यहाँ से, एग्जिट हो गया। यहाँ आपको बारिश तो 24 घंटे होती ही मिलेगी। अब मैं मेट्रो से बाहर निकला हूँ तब भी बारिश आ रही है। अब अपनी लोकेशन देख के जा रहा हूँ झूलता मीनार की तरफ, और अब जाके एनर्जी आई है यार। एक दो लोकेशन मैंने ट्रैवल किया है ना, वो दोस्त मिल गया था मेरे को, था तो लड़का मुस्लिम लेकिन अच्छा था यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ के मार्केट, ये बस चलती है सारी, ये यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी 10-20 रुपये किराया लगता है। ये शाहपुर जहाँ पे झूलता मीनार है, ये यहाँ का सीन है भाई। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाती है और कब रुक जाती है। अब तो तेज़ बारिश आ गई, बहुत तेज़। मैं रुका हूँ पेट्रोल पंप पे,